क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, जल्दी से सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, खत्म होने वाला है मार्क, नया मार्क लेना पड़ेगा। ले लेंगे यार, अभी तो लास्ट क्वेश्चन तो चला लें। चल जा भाई, सिंप्लीफाई दबा दबा के लिखना पड़ेगा इसको। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, ए पार्ट कितना है हमारा, -8/5 है, -3/4 है, ये ब्रैकेट में, ये लीजिए ब्रैकेट में, ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया, प्लस 7/8 है, -16/25 है। इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व करें हमारी मर्ज़ी है, इसने कुछ हमें कंडीशन नहीं दी कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसमें ये करो इसमें वो करो, हमारी मर्ज़ी कैसे भी सॉल्व करें। देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे, 4 2 8, 2 3 multiply 2 3 6 और माइनस है तो माइनस 5, ये हो गया 1, 5 1 5, ठीक है, ऐसे लिखो, प्लस है प्लस लिखो। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 8, 8 2 16, तो माइनस रहेगा, 7 2 14, और ये माइनस ही रहा, ये रहा माइनस, अपॉन में 25 1 25, ठीक है, -6/5, अब ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, कितना है 14/25। अब यहाँ पे देखो दोनों कैल्सियम कितना आएगा, 25। सर कैसे पता चला एकदम से, देखो दो नंबर हैं, अगर आपको नीचे नंबर दे रखे हैं वो नंबर जो है सेम टेबल में आते हैं, और जिस सेम टेबल में आते हैं वो नंबर वहाँ पे मौजूद है, तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है 25 और 5, तो 25 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 5 यहाँ पे मौजूद है ये रहा, तो 5 5 25, तो इसका एलसीएम हो गया 25। देखो करके भी देख लो बच्चों, ये लो 5 5 1 5 5 5 25, ठीक है, समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ये, 25 आ गया, ठीक है, -6 ब्रैकेट -14 ब्रैकेट, 5 के टेबल पढ़ेंगे 25 आ जाए, 5 बार 25 को पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है, 5 6 30, वो भी माइनस का, ये हो गया 14, हमारे नीचे कितना है 25, तो 4 3 और 1 4, 44 और माइनस का अपॉन में 25, तो मेरा ये क्या हो गया आंसर, माइनस का 44 अपॉन में 25। बी पार्ट देखिए, बी में क्या बोला भाई इसने, 2/9 -3/6, और यहाँ पे लगा दिया इसने ब्रैकेट, ठीक है, प्लस है फिर ब्रैकेट है, 3/4, ये डिवाइड है बच्चों, डिवाइड कितना हो गया 12/15, 12/5, क्या हो रहा है मेरे को, फिर हमारा क्या है माइनस है, अच्छा उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है और इसके अंदर है 1/4, ठीक है जी, फिर क्या है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट में 1/4 है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई के बाद है 2/3, इतना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है मगर है नहीं, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 3 9, 2 3 6, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर कितना आया 1, नीचे कितना आया 9, ठीक है जी, इसको ब्रैकेट में लिखो ऐसे, अभी प्लस, अब ये देखो 3/4 है, ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर वाला चेंज हो जाएगा, 5 ऊपर आएगा नीचे 12 आएगा, सर ये क्या कर रहा है, ये रूल होता है, क्या रूल होता है सर, अगर यहाँ पे डिवाइड है ना तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, मुफ्त में तो करूँगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि प्लस को माइनस कर दूंगा, माइनस को प्लस कर दूंगा और कुछ नहीं होगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, अगर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कराया तो इसका इसके इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, रीज़न क्या है कि इसके डिवाइड के इधर वाला जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, तो 12 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा, इसके इधर वाला नंबर चेंज नहीं होगा, डिवाइड के आगे वाला नंबर चेंज होगा, डिवाइड के पीछे वाला नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, चलो इसको लिख दिया, अब ये माइनस है, अब ये देखते हैं 1/4 हो गया माइनस, अब इसे सॉल्व करते हैं 2 1 2 2 4, तो ऊपर कितना आ गया 1 1 1, नीचे कितना आ गया 6, ये ऐसे है, ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं 1/9, 3 1 3 4, ठीक है, प्लस तो 1 5 1 5 अपॉन में 4 4 16, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये माइनस है माइनस, अब इसे सॉल्व करते हैं 1/4 ब्रैकेट को खोलेंगे -1/6, ठीक है, ये हो गया, अब सारे अब क्या करेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसको ब्रैकेट को खोल दो, 1/9 + 5/16, ठीक है जी, ऐसे हो गया, ये काम करो सारे ब्रैकेट को खोल दो, ये हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइन ये जब ब्रैकेट खोलेंगे अब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो माइनस अंदर के सारे साइन चेंज कर देता है, ये 1/4 क्या गया क्या प्लस, तो 1/4 माइनस का हो गया, ये 1/6 आ गया क्या माइनस, तो ये प्लस का हो गया, ये रूल होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का ये होगा, बी माइनस का होगा, सी माइनस का होगा, कहीं पर लिखा हुआ है ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ माइनस है, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ए माइनस का होगा, बी प्लस का होगा, सी प्लस का होगा, क्यों,
ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने सबको खोल दिया। मैं इसका ले लूँगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, 9 है, 16 है, 4 है, 6 है। एलसीएम लो, 3 से करो, 3 3 जा 9, 16 का 16, 4 का 4, 3 2 जा 6। अब 3 से करो, 1 जा 16, 4 2। अब 2 से करो, 1 जा 8 जा 2 जा 1 जा 2 से करो, 1 जा 4 जा, ऐसे हो गया। अब दोबारा 2 से करेंगे, 1 2 1 1, अब 2 से करेंगे, ठीक है जी। ऐसे हो गया, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 3, 3 जा 2, 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये हो गया हमारा 16। और 3 3 जा 9, 16 और 9 को कर लो जल्दी से। एलसीएम तो निकालना आता होगा ना बच्चों। 16 और 9 को करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 9, 144 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 144। रब करो इसको, इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 144। अब देखो, 1 ब्रैकेट, प्लस का 5 ब्रैकेट, माइनस का 1 ब्रैकेट, प्लस का 1 ब्रैकेट, ठीक है। 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 144 आ जाए, ठीक है जी बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, 144 को डिवाइड करेंगे 9 से, 16, मतलब 9 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे तब 144 आएगा। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे कि कितना आ जाए 144, तो 144 को डिवाइड कर लो आप 16 से, एक ही बात है, 9 बार। 9 का टेबल पढ़े, 16 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार, तब जाके हमारा ये आएगा। क्या हो गया भाई, थोड़ा ये जो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 1144 आ जाए, तो 144 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, पता चल जाएगा 36 बार। अब 6 का 144 डिवाइडेड बाय 6, 24 बार, ठीक है। चलिए अब इसको 16 एक कम 16 प्लस 5 9 जा 45, ठीक है, माइनस 36 1 जा 36 प्लस 24, और नीचे कितना हमारा 144। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, जो प्लस वाले नंबर है कितने होगा बच्चे, देखो 16 प्लस 45 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 16 45 24 85 आ गया। अब जो आंसर आया उसमें से माइनस 36 कर देंगे, माइनस 36 49 आ गया, और नीचे कितना है 144, ठीक है। किसी से कटेगा, 4 8 9 9 4 13 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एक बार पीछे आंसर चेक कर लेता हूँ, 7 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, 49 बाय 144, वेरी गुड, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी। चलो पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है, फाइनली खुशी हो रही है कि ये मेरी एक्सरसाइज बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अरे इतना बड़ा क्यों लगा दिया मैंने, चलिए माइनस 3 बाय 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8 बाय 15, ठीक है, ये ऐसे बंद हो गया, फिर यहाँ माइनस है, और यहाँ पे कितना मेरा 2 बाय 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाय 8, ठीक है, माइनस 5 बाय 8 है बच्चों, हाँ जी ये हो गया। अब माइनस लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 3 बाय 8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस 2 बाय 9 ब्रैकेट, ठीक है, सबको सही लिखा है ना। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 1 जा 1 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, माइनस है माइनस अपॉन में, 5 1 जा 5, ये आ गया, इसको ऐसे लिखो, माइनस है माइनस लिखो, इसको सॉल्व करो, 5 से 5 कटा, 1 जा 1 जा 2, 1 जा 2, 4 जा, काटने आता ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, 1 1 जा 1, और ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट में नीचे 4 1 जा 4, ये आ गया, ये माइनस का ये रहा माइनस। अब इसको करेंगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा और 3 3 जा 1, 1 जा 1, और माइनस माइनस है तो प्लस का 1 हो गया, अपॉन में कितना है 4 3 जा 12 ब्रैकेट। ए छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, जब हमें छोटे ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट लगाना पड़ता है तब बड़ा ब्रैकेट आता है। देखो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट था पहले से, तो यहाँ पे हमने जब छोटे ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो सो क्या ऐसा हो गया, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4, माइनस है 5 4 12, क्या लेंगे इसका एलसीएम, 5 से करेंगे 1 4 12, 4 से करेंगे 1 1 12, सॉरी 4 3 जा 4 3 जा 12, अब 3 से करेंगे 1 1 1, तो 4 3 जा या 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। चलिए सिक्सटी एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट, 5 टेबल पड़ेंगे कि 60 आ जाए, कितने बार आएगा, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5
वन कैरी 10, 5 2 10, हाँ 12 बार, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 60 आ जाए, ठीक है, 60 बाय 4, तो 4 1 4 बचा 2 0, 4 5 15 बार। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 60 आ जाए, ठीक है, तो 60 और 12, 12 4 48, 12 5 60, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आ गया समझ में। अब देखिए 12 2 24 माइनस आएगा, 15 1 15, 5 1 5, नीचे कितना हमारा 60। अब क्या करेंगे, पहले माइनस वाले को कर लेते हैं, 24 और ये 5 को प्लस करेंगे, प्लस 5 कितना हो गया, तो माइनस का 29, 24 को 5 को हमने प्लस करा माइनस का 29, प्लस का 15 अपॉन में 60। अब 29 में से माइनस कर देंगे अपना 15, कितना आ गया 14, लेकिन वो आएगा माइनस का, माइनस का क्यों सर, क्योंकि 29 बड़ा था, नीचे कितना आ गया भाई, बस लास्ट है भाई, ख़त्म करते हैं मेरे को, 60 माइनस 14 बाय 60, माइनस 14 बाय 60, डिवाइड होगा 2 से, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 0 ज़ा, तो कितना आंसर आ गया, माइनस 7 अपॉन में 30, ये मेरा आंसर हो गया। चेक कर लेता हूँ एक बार, मेरा मार्कर भी मेरा साथ छोड़ रहा है यहाँ पे, अब मुझे बंद करना पड़ेगा। माइनस 7 बाय 30 है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, माइनस 7 बाय 30, वेरी गुड। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, और इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट है।